ज्यादा ही वाइट हो गया सर के खून में। सर कितना वाइट हो सर का खून पूरा वाइट हो गया। खून फोकस नहीं मार रही, जो कैमरा उसका ज्यादा फोकस मार देता है। सर क्या है कमी की तरह बनाने के जैकेट भी रकम सर 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 आवाज है। हेलो इसलिए सर का फोन से बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है यार, पूरा व्हाइट कर दे रहा है फेस को। अरे सर का फोन बहुत ज्यादा है और पूरा व्हाइट हो जा रहा है सर आपके फोन से। आप आदरणीय है क्योंकि आप स्कूल को चलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों साथ ही साथ मेरे शिक्षकगण विद्या शिक्षकगण, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले बहुत हुआ करता था क्योंकि ये 52 या 53 साल स्कूल का है। जगह के अभाव में हम पहले नहीं कर पाते थे इसको, कुछ अभिभावकों का कंप्लेन था कि भी परीक्षा है तो इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले बता दूं कि शिक्षा का मतलब ही हम दूसरा अर्थ दे देते हैं। हम शिक्षा इसलिए प्राप्त करते हैं कि नौकरी हो, बस एक ही दे बहुत नंबर लाना, बहुत अच्छी नौकरी करना, कहीं भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं। आप देखते हो उनकी एक क्रिकेट के अंदर क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है तो बहुत ज्यादा वाइट है सब। इवन फिर फुटबॉल नहीं खेलता उसके पहले बहुत सारा एक्सरसाइज करता है तब एक फुटबॉलर बनता है। इसी तरह शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हम कोई भी नहीं कर पाते, बोलते हैं भाषण में हम भी बोल रहे हैं लेकिन हम कहां अपना सर्वांगीण विकास कर पा रहे हैं। आपका आपकी प्रवृत्ति है जो खेल है लेकिन कहां खिलाते हैं आपको, आपकी प्रवृत्ति है कि आप बोलना जो माँ बाप आपको शुरू से सिखाते हैं ये आपकी प्रवृत्ति है लेकिन हम कोई इसमें आपको मदद नहीं करते। सिर्फ क्लास में क्लास के जो वर्क है किताबें हैं उन पढ़ा देते हैं और हम संतुष्ट हो जाते हैं। और हमारे आए अक्सर मुजफ्फरपुर में 3000 स्कूल है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है ये समझे बिहार में ही कई। किसी भी स्कूल में शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं, हम उद्देश्यहीन रास्ते पर चल रहे हैं। थोड़ा सा आप सहयोग करिए, नहीं है उसके बावजूद भी थोड़ा आप कर सकते हैं। गार्जियन से अभिभावकों से माता पिता से अनुरोध है घर पर बच्चों को थोड़ा छूट दीजिए, फेंकने दीजिए, कूदने दीजिए, गाने दीजिए, हल्ला करने दीजिए, उसकी प्रकृति है उसकी प्रकृति को नहीं रोकिए। बहुत हिम्मत करके आप सहयोग करिए, बच्चा खेलता है रोकिए नहीं, हल्ला करता है करने दीजिए, जितनी संभावनाएं उतना ही कम से कम करिए, उतनी मदद करिए और सब पढ़ाने के लिए हम लोग काफी। लेकिन एकदम मन में कभी नहीं ये ठानिए कि उद्देश्य ये होता है बहुत नंबर लाना, 100 में 100 नंबर लाना।
मेडिकल में इंजीनियरिंग में कंप्लीट नहीं किए, सुसाइड करने तो पुराने का उद्देश्य क्या हुआ? पुराने का उद्देश्य सुसाइड करना तो नहीं। आप बच्चों को भी कह रहे हैं, बहुत बच्चे मेरे जाने वाले हैं, अंतिम वर्ष के बच्चे, जीवन का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास का मतलब दूसरी नहीं है, नौकरी तो है नहीं, दूसरा आप स्वस्थ मन से भी रहे, तन से भी रहे। जीवन में एक चीज सीख लीजिए ना, मुस्कुराना सीख, सहना सीख लीजिए। ये है ज्ञान, ज्ञान किताब का ज्ञान नहीं है। तो किताबों में हम पढ़ते हैं, मैथ बना लेते हैं, और कम स्कूलों में मेरे ऐसा क्वालिफाइड आदमी हो। मैंने पीएचडी डॉक्टरेट की, शांतिनिकेतन में जाकर मैंने पढ़ा पढ़ाया, लेकिन हमसे पूछेगा कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने किस चीज पर किया, या मेरा रिसर्च था, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था, कुछ भी नहीं। इस डिग्री का क्या मतलब जब हम कुछ भी नहीं है? तो आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि बच्चों को केवल स्कूल भेज कर संतुष्ट नहीं हो जाए, उसे पौष्टिक आहार दीजिए। हम लोग भी आहार में क्या करते हैं, हमारे बच्चे खाना अच्छा नहीं बनता, फटते फूट करके होटल से खाना मंगवा देते हैं। तो सबसे पहले हम जब गुरु प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहला गुरु आप हैं, माँ बाप बच्चों आपके पहले गुरु आपके माँ बाप हैं। आप उसे बोलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, गुरु हम नहीं है, गुरु आप हैं। थोड़ा सा इसमें मदद करिए, उन्हें विकसित होने दीजिए, उन्हें अच्छा खाना खिलाइए। हम खाना किस लिए खाते हैं? स्वाद के लिए, जीव के लिए खाते हैं, शरीर के लिए खाना खाते ही नहीं। तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो हम भूल जाते हैं। अभी कल मैं पढ़ रहा था, छोटी सी कहानी करता हूं। एक 12 साल की लड़की एट्थ क्लास में पढ़ती है, वो बकरी चराने जाती है, तो उसकी बड़ी सिस्टर क्रिकेट खेलती है, उसे मन लगता है तो क्रिकेट लेकर भाग जाती है, हर दिन खेलती रहती है, और उसका सिलेक्शन हुआ। उसको पता नहीं रहता कि मेरी बच्ची सो रही है कि चल रही है। आपसे भी सर्वत प्रार्थना करेंगे कि उसको सहयोग करें। ये जब कोरोना में जब स्कूल बंद हो गया था तो उस बीमारी से आहत नहीं थे, लेकिन बच्चों की किरकारी से आहत थे, क्योंकि उनका भाव था, उनका हल्ला नहीं सुन पाते थे, उनका हंगामा नहीं सुन पाते थे। तो तकलीफ इस बात की थी, तो ये बच्चे हमारी जान है, और आप ही बताइए जान के माँ बाप क्या होंगे हमारे। तो बच्चों को किताब पढ़ने में तकलीफ हो, किसी विषय में हो, तो मुझे कहिए, हम उसी के लिए बैठे रहते हैं। और हम नहीं कर पाते, केवल मैंने कोशिश भी की कि बच्चों को बोलना, गाना गाना, नाटक करना, दूसरे के सामने बोलना, भाषण देना, ये सब शिक्षा में मेरे ख्याल से इसका ज्यादा ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए।
लेकिन इसकी हिस्सेदारी एकदम नहीं के बराबर है किसी भी स्कूल में। हाँ, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बड़े बड़े शहरों में है, बॉम्बे में, जहां का फीस है 8-8 लाख रुपया, तो वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी एकदम सीमा है, एक छोटा सा दायरा खींचा हुआ जिसी के अंदर हम कर सकते हैं। तो शिक्षक हैं, आपके कोर्सेज को पढ़ाते हैं। आज ये परिणाम हमारे बच्चे, ये हम नहीं कह रहे, ये बच्चों की उत्सुकता से और कुछ शिक्षकों के सहयोग से ये हम कर पा रहे हैं। आपको जरूर अच्छा लगेगा, और बहुत ज्यादा नहीं समझाते, शिक्षक का मतलब था कहीं समझाना, जिससे को माइक धरा दीजिए तो समझाएगा, वही समझाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप दोनों को, सबों को बच्चों के साथ छोड़ते हैं, और देखिए छोटे छोटे बच्चे, हम कभी नहीं सिखाए उनको, आपको अच्छा लगेगा क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं हमें अच्छा लगता है, उनका हल्ला अच्छा लगता है, इनका नाचना कर झगड़ा करना इनका अच्छा लगता है, इनके सब चीज मुझे अच्छे लगते हैं। देखिए बच्चे आपको बिल्कुल जो दिखाते हैं और उन्हें उत्साहित करें, बहुत बहुत धन्यवाद।